वेलकम टू मिधावीज किचन। नमस्ते व्यूअर्स, आज हम बहुत ही उम्दा डिश बनाने जा रहे हैं जो भोपाल में बहुत फेमस है, शाही टुकड़ा। आपको मैं आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी सा सरल सा तरीका बताया है मैंने बनाने के लिए। और जनाब, अगर आप भोपाल में हैं और आपने शाही टुकड़ा नहीं खाया तो क्या खाया, इस वीडियो को देखें, ज़रूर ट्राई करें शाही टुकड़ा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें। ये हमने 2 लीटर दूध लिया है। इसकी हम सबसे पहले इसका स्टेप है कि हम इसकी रबड़ी बना कर रख देंगे, इसको होने देंगे और तब तक हम बाकी की अपनी तैयारी कर लेंगे। हमने लिए हैं थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू। आप इसको थोड़े छोटे छोटे से पतले पतले काट लीजिएगा। इस तरह से हमने ये काट दिए हैं, देखिए है ना, ये तो लंबे लंबे कटे हैं बादाम और ये काजू छोटे छोटे। ये मिल्क मसाला है और ये काजू है और ये बादाम है। ये हम ऊपर से ड्रेसिंग के लिए यूज़ करेंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी। दूध उबल गया है, ऑलमोस्ट रबड़ी की कंसिस्टेंसी हो गई है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप शक्कर। एक शक्कर हमने इसमें मिला दी है, अब हम इसको थोड़ा और चलाएंगे जब तक ये शक्कर मिल जाएगी और ये बॉईल हो जाएगा। इसमें ये शक्कर मिल गई है अच्छे से, थोड़ा उबल गया है, अब हम इसको ऑफ कर देंगे। ये हमने 4 ब्रेड लिए हैं, अब हम इसको इस तरह से ट्रायंगल में काट देंगे। ब्रेड आप हमेशा याद रखिए 1 या 2 दिन पुरानी लीजिए ताकि ये थोड़ी स्टिफ हो जाती है। अगर फ्रेश होती है तो ये फिर बहुत सॉफ्ट होती है और मैनेज नहीं होती है। हमने घी ले लिया है, अब इसमें हम अपने ब्रेड को शैलो फ्राई करेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये ब्रेड डालेंगे। सुनहरा बस खोले दीजिए, पलट के देख लीजिए, ये भी इस साइड भी हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये ब्रेड स्लाइसेस थोड़े बड़े हैं और आजकल लोग थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो इसको हम थोड़े से साइजेस छोटे कर देते हैं। इस तरह से हम सारे हाफ कर लेंगे। इसे आप कंटेनर्स ले लीजिए, जो भी आपको आपके पास हो और जिस भी शेप में आपके पास अवेलेबल हो। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि थोड़े गहरे हों, क्योंकि इसमें जो हम ऊपर से रबड़ी डालेंगे ना, तो इसलिए थोड़े से गहरे होना ज़रूरी है। इस तरह से हम एक एक करके ये टोस्ट इसमें जो हमने तले हैं ब्रेड, अब इस तरह से इसको इसमें रखते जाएंगे। ये देखिए दूसरी ट्रे में भी हमने लगा दिया है, अब हम इसमें भी ऊपर से ये रबड़ी डालेंगे। ये इलायची पाउडर डाल रहे हैं हम इसके ऊपर, अच्छे से डाल दीजिए इलायची पाउडर आप। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मिल्क मसाला, उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें काजू, ये काजू डाल दिए हमने उसके ऊपर। ये भोपाल की एक बहुत ही फेमस डिश है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। आप भी बनाइए, आई एम श्योर आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और प्लस आपके यहाँ जितने एल्डरली लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत नरम है खाने में।